देखिए अभी तक जितना वीडियो वायरल हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर ये देखा जा सकता है कि मेरठ के एसपी सिटी अखिलेश नारायण एक गली के भीतर कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि उसमें वो लोगों को ये भी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जाना है तो तुम पाकिस्तान चले जाओ, लखनऊ यहाँ भारत में रहकर तुम दूसरे तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी नहीं कर सकते हो। तो इस तरह का बयान उनका उस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है, लेकिन ये वीडियो वायरल होने के बाद अभी तक कोई अधिकृत आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया है। खुद अखिलेश नारायण जो एसपी सिटी है मेरठ के, उनका ये कहना था कि वो वहां पर गश्त कर रहे थे और उसके बाद कुछ उनको देखते ही आपत्तिजनक नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद उन्होंने इस तरह का बयान वहां पर दिया। लेकिन बार बार आप देखिए उस वीडियो में बार बार वो लौट कर वापस जा रहे हैं, जो वहां पर खड़े लोग हैं उनको चेतावनी दे रहे हैं कि एक एक घर से एक व्यक्ति को बंद कर दूंगा, यहां पर उपद्रव की स्थिति बनती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इससे इतर सबसे अहम सवाल वही है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने तमाम सारे अधिकारियों को यह निर्देश जारी किए थे कि नागरिकता कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करिए, पीस कमेटी की बैठक करिए, जो धर्मगुरु है उनसे बातचीत करिए, शांति व्यवस्था की अपील कायम करिए, तो उससे वो बयान कहीं भी मैच होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक अधिकारी से इस तरह की उम्मीद की जाती है कि वो स्थानीय स्तर पर लोगों से संवाद स्थापित कर शांति व्यवस्था कायम करेंगे, लेकिन उनका जब ये बयान, उनका ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद अभी तक कोई भी आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया है। हालांकि अखिलेश नारायण ये जो एसपी सिटी है मेरठ के, वो जरूर कह रहे हैं कि उनका, उन्होंने जब देखा वो वहां पर गश्त करते हुए निकले तो कुछ आपत्तिजनक नारेबाजी उनको देखकर की गई, क्योंकि काफी फोर्स उनके साथ मौजूद थी, जिसके बाद का बयान उन्होंने वहां पर दिया। जी सही बात है, किसी ऐसे मौके पर जब नाजुक मामला हो तो फिर स्थिति को ये जरूर ध्यान संभालने की कोशिश की जानी चाहिए। कम से कम जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा तो जरूर की जाती है कि समझाने की कोशिश होती।